व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप लोग की और एक नई वीडियो में। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं टेस्ट करने वाला हूँ असैसिन क्रीड रिवॉल्यूशन गेम इन माय लो एंड लैपटॉप जो i3 8th जनरेशन और इंटेल एजीटी 620 वेस्टेक लैपटॉप है। इसमें मैं टेस्ट करने वाला हूँ असैसिन क्रीड रिवॉल्यूशन गेम और देखूंगा कि मुझे कितना पीस मिलता है, और अगर आपको भी मेरे जैसे सिमिलर स्पेक्स है तो आपको कितना पीस मिलेगा इन असैसिन क्रीड रिवॉल्यूशन। तो इसके लिए वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। और गाइस अगर आपके पास मुझसे थोड़ा बेटर या लो स्पेसिफिकेशन वाला पीसी है तो आप लोग जरूर कमेंट कर देना, मैं कमेंट के रिप्लाई में आपको बता दूंगा कि आपको कितना पीस मिल सकता है ना। गाइज ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन में आपको एक चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप अगर फ्री फायर आपको पसंद है, फ्री फायर जो गेम होता है उसके बेसिक आपको पसंद है तो उस चैनल को जाके आप विजिट कर सकते हो, देख सकते हो। तो गाइज चलिए आज के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा है ग्राफिक्स सेंस की, कौन से ग्राफिक्स सेंस में मैं इस गेम को चला रहा हूं। तो मैं जाता हूं सिंपली ऑप्शंस पे, फिर मैं जाता हूँ ग्राफिक्स पे। तो मेरा जो रेजोल्यूशन है 1280x720 है, फिसिंग ऑफ है, एनवायरनमेंट क्वालिटी को मैंने 3 रखा है और टेक्सचर क्वालिटी जो है इसको मैंने रखा है 2, शेडो क्वालिटी 1 है, रिफ्लेक्शन लो है, कैरेक्टर 2 है, पोस्ट इफेक्ट्स को मैंने ऑफ रखा है। तो इसको 720p लो ही आप लोग बोल सकते हो कि 720p लो सेंस में हम लोग इस गेम को ट्राई कर रहे हैं। तो देखते हैं कि मुझे कितने एफपीएस मिलता है इस गेम पे। तो अभी जो मुझे एफपीएस मिल रहा है गाइस वो 37 का एफपीएस देखने के लिए मिल रहा है, 31 का, 26 का, तो अभी जो है 27 का एफपीएस देखने के लिए मिल रहा है और 28 का, 31 का एफपीएस, 32 का। तो एफपीएस जो है वो ठीक ठाक है, गेम प्लेबल एफपीएस मैं कह सकता हूँ इसे। तो अभी जो है 31 का एफपीएस गाइस देखने के लिए मिल रहा है, तो अभी जो है 27 का एफपीएस देखने के लिए मिल रहा है 27 का। तो एवरेज जो एफपीएस अभी तक रह रहा है वो 27 टू 30 एफपीएस ही रह रहा है गाइस। तो वैसे 28 का एफपीएस देखने के लिए मिल रहा है, तो 38 का एफपीएस देखने के लिए मिल रहा है गाइस, 40 का एफपीएस। तो गाइस अभी जो है 40 का एफपीएस तक ही क्या है, 39 का एफपीएस, 43 का एफपीएस देखने के लिए मिल रहा है गाइस। तो एफपीएस जो है वो नॉर्मली जो एवरेज एफपीएस हमें देखने के लिए मिल रहा है 37-38 का, और कुछ कट्सिस में हमें स्टटर्स वगैरह भी देखने के लिए मिल रहा है, 35-39 का एफपीएस देखने के लिए मिल रहा है गाइस। तो अभी जो है 30 का एफपीएस देखने के लिए मिल रहा है, तो अभी देखते चलो 37 का एफपीएस, 40 का एफपीएस। तो एफपीएस जो है काफ़ी ठीक ठाक एफपीएस देखने के लिए मिल रहा है, मतलब एफपीएस हम कह सकते हैं इसे प्लेबल एफपीएस कह सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आप इस गेम को, आपके पीसी मेरे जैसे सिम्स पीसी है तो आप बहुत अच्छे तरीके से गेम को खेल सकते हो। तो अभी जो है 40 का एफपीएस गाइस देखने के लिए मिल रहा है, तो अभी 30 का एफपीएस, 32 का एफपीएस गाइस देखने के लिए मिल रहा है, तो 36 का एफपीएस, 35 का। तो एफपीएस जो है आप बहुत अच्छी तरीके से इस गेम को चला सकते हो, आपको कोई भी बिना किसी दिक्कत नहीं का। बट मुझे स्टोरी कुछ सीन्स में, जैसे मुझे नॉर्मल गेम पे कोई प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिला, बट मुझे स्टोरी कुछ जब कट सीन्स वगैरह हो रहा है तो मुझे स्टटर्स वगैरह देखने के लिए मिल रहा है गेम पे थोड़ा सा। तो अभी जो है 35 का एफपीएस कैसे देखने के लिए मिल रहा है, 34 का। तो एफपीएस काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक एफपीएस है, कोई भी मुझे प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिल रहा है गाइस, 37 का एफपीएस, 39 का। तो अगर आपको भी मेरे जैसे सिमिलर स्पेक्स है तो आप बहुत अच्छे तरीके से गेम को खेल सकते हो बिना किसी दिक्कत के, आप बहुत स्मूथली गेम को चला सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो अभी जो है 30 का एफपीएस गाइस देखने के लिए मिल रहा है, तो 29 का एफपीएस। तो गाइस आप लोग चाहो तो इस गेम को ट्राई कर सकते हो, और अगर आपको मुझसे बेटर या लो स्पेसिफिकेशन वाला पीसी है तो कमेंट कर दो, मैं कमेंट के रिप्लाई में आपको बता दूंगा कि आपको कितने एफपीएस मिल सकता है इन योर स्पेक्स। तो अभी जो है 33 का एफपीएस गाइस देखने के लिए मिल रहा है, 36 का एफपीएस। तो एवरेज जो नॉर्मली एफपीएस देखने के लिए मिल रहा है वो 32-36 एफपीएस देखने के लिए मिल रहा है, मैक्सिमम 40 तक गया है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से गेम को चला सकते हो। तो इस वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, तो वीडियो आज के लिए इतना ही था। वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना मेरे दोस्तों के साथ, चैनल बना तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर देना ऐसे और वीडियोस के लिए। तो गाइस मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।